क्यों? वो मारे को लगा जैसे मैंने रणवीर ने देखा। तुम गले में दूरबीन क्यों नहीं बांधते थे? या फिर रणवीर के सर पे एक सीसीटीवी लगा दो। क्यों कह रहे हो? फिर आपके बाइक बड़ी जहां जहां जाएंगे वहां वहां आपको नजर आता रहे। ऐसी कोई बात नहीं कार्तिक, आप गलत। क्या सीरत, इतना तो पापा ही मेरे पीछे पीछे नहीं घूमते। देखा अब तो बच्चे ने भी कह दिया। जो हमारे मन में है ना तारे लिए, वो इज्जत है, अपनापन है, पर प्यार ना है। और पता नहीं कब हमारे मन में तारी जगह कार्तिक ने ले ली। फोन साइलेंट पे हो और जल्दी में हो तो चला गया ऐसे मारे को बिना बताए। हाँ यू आर राइट, वो बिना बताए तो नहीं जाएगा। तुम एक और कॉल कर लो उसे। जो हमारे मन में है ना तारे लिए, वो इज्जत है, अपनापन है, पर प्यार ना है। लगता है सब कुछ कहानी है, अखियों में यादें पुरानी है, उससे ही बातें न हो पाए, जिसको बातें सब सुनानी है। कहना है जो दिल कब कह पाता ज्यादा टेंशन ले रही हो तुम शायद। और कुछ? मारे को ठीक नहीं लग रहा कार्तिक, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा सीरत? क्यों किया? ये तू हमारे लिए जो कर रही है वो प्यार है या कुछ और है? अरे बोल ना, नजरें क्यों झुका ली? प्यार किया हमारे साथ, पर प्यार किसी और के साथ? वैसे मैं हैरान होता हूँ ये सोच के कि जिस लड़की के लिए रणवीर ने हर परिवार छोड़ दिया, जिसके अलावा कभी किसी और के बारे में सोचा तक नहीं, उसने इतनी जल्दी कैसे रणवीर को भुला दिया? इसका मतलब जो हंसा सही थे तू और कार्तिक, क्यों किया तूने हमारे साथ ऐसा? अगर प्यार कार्तिक से करती थी तो हमारे से ब्याह क्यों किया? क्यों हमारी जिंदगी के साथ खेला? कोई जबरदस्ती नहीं की माने, कोई मजबूरी ना थी थारी, क्यों किया ऐसा तूने हमारे साथ? सीरत मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब है बस। सीरत ने ड्रग्स के केस में फंसा या मर्डर के मारे को कुछ ना मालूम है। मारे को मारा बेटा वापस चाहिए बस। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सर, कुछ ना कुछ तो ढूंढ कर जरूर लाऊंगा ऐसा जिससे कि वो लड़की
आपके बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाए। देख अगली बार हमारे पास आएगा ना तो कोई आइडिया लेके आना, वरना अपना मुंह मत दिखाना। ऐसा ना हो कि सीरत का गुस्सा थारे पे उतर जाए, समझ गया? रणवीर तो घर आ गया है। रणवीर घर आ गया? सच्ची? हाँ, तू क्यों ना साथ आई बिंदनी? कुछ हुआ है क्या उसने? आते ही अपने पापा के सामने जाकर खड़ा हो गया है। क्या? अब नहीं तो अम्मा, ऐसा तो कुछ भी ना होया। बहुत गुस्से में भी लागे है। अम्मा, आप जरा देखिए ना प्लीज, कोई ऐसी वैसी बात ना हो, मैं बस आ ही रही हूँ। हाँ चलो, मैं छोड़ आता। नहीं कार्तिक, आपने टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है, आप प्लीज मारे लिए टैक्सी बुला देंगे। कौन सा जैसलमेर छोड़ने जा रहा था मैं? जितना टाइम में टैक्सी बुलाऊंगा उतने टाइम में तुम्हें घर छोड़ चुका हूँ। अब टाइम वेस्ट मत करो, हरी कम। रणवीर, तबीयत तो ठीक है ना थारी? पसीना, डॉक्टर ने बोला ओके? क्या बात है रणवीर, क्या बात परेशान कर रही है थारे को, बता तो सही। क्या फोन नहीं उठा रहे हो? सीरत क्या हो रहा है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ये बात है जो तुझे तंग कर रही है? रणवीर बोलना बेटे, मैं अपने बेटे में ऐसे नहीं देख सकता। बेटे बेटे बता बता मारे मारे को बता क्या बात है। रणवीर उठ उठ उठ, माफ कर दो, बस 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 चुप हो जा, माफ कर दो। किस बात की माफी मांग रहा है? क्या कर रहा है तन्ने? तारा विश्वास को किया, हर बार आपने मारे को कार्तिक और सीरत के बारे में बताने की कोशिश की, आपको पूरा बोलता है, आपकी बात काटता रहा मैं, धोखा देती मारे को, प्यार करता था मैं उससे। रणवीर मारी बात कड़वी है पर सच कहूं हूं मैं, मालूम था मारे को, मालूम था कि ये छोरी थारे लायक ना है, मन्ने मालूम था कि एक दिन उसकी सच्चाई थारे सामने आएगी और उस दिन सबसे ज्यादा तकलीफ थारे को ही होगी। मारे को माफ कर दो पापा। मैं समझाना थारे को, तारे मन की बात ना समझ पा रहा मैं, जबकि हर बार आपने मारे को सच बताने की कोशिश की, ऐना मानो मारी मत मारी गई थी, अदला हो गया था मैं उस सीरत के प्यार में, मारे को कुछ नजर ना आ रहा था, सामने होते भी मारे को दिखाई ना दिया, और मैं हर वक्त यही समझता रहा कि ना कार्तिक और सीरत सिर्फ दोस्त है, धोखा दिया हम दोनों ने मारे को, एक ना दो रिश्तों से हार के आया हूं मैं, एक दोस्ती का और एक प्यार का। तारे दिल पे जो बीत रही है ना,
समझ सकता हूं मैं, पर तारे साथ गलत करके दोनों बचेंगे नहीं। बस तू अब वही कर जो थारे थारे पापा बोलेंगे, फिर देखना ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं दोनों की। वो हाल करूंगा रणवीर उन दोनों का के, के क्यों हो गया तारे को रणवीर? तबीयत तो ठीक है ना तारी? कब से ऐसे ही खड़ा है, क्या सोच रहा है बेटा? प्लीज रिलैक्स करो, इतनी एंजाइटी ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। हमें तो पता है ना कि रणवीर घर पहुंच गया है, फिर तुम टेंशन किस बात का ले रही हो? टेंशन ना ले रही करते, वो पता नहीं क्यों सास ना आ रही हमारे को, शायद रात सोए ना ना नींद ना पूरी हुई तो थकान हो गई है, उसकी वजह से हो रहा होगा। मिलके बात करते हैं। हाँ पर इतनी सी बात तो बता दे मारे को, तो ठीक है ना? कुछ जरूरी काम आ गया था धंधे पे। हे भगवान, काम आ गया था और यहाँ मारी सोच सोच के ना जान निकले जा रही है कि अचानक पता नहीं क्या हो गया थारे को। थारे को पता ना है क्या बीती है मारे पे। थारे को भी पता ना है कि मारे पे क्या बीती है। क्या तू फोन रख और प्लीज कुछ खा ले जल्दी से, फिर दवाई भी लेनी है ना, मैं आते ही थारे को दवाई दे दूंगी, पहले 15 मिनट लेट हो चुके हैं। कार्तिक आप प्लीज गाड़ी थोड़ा सा जल्दी चलाइए ना, वो रणवीर की दवाई का ना टाइम हो गया है कब का। हाँ। मैं आ रही हूँ रणवीर। अब तो तसल्ली हो गई, रणवीर किसी काम के सिलसिले में बाहर गया और तुम पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही थी। ये बस उसने कहने के लिए कहा है कार्तिक, बात कुछ और ही है, उसकी आवाज से समझ में आया मारे को वो झूठ बोल रहा था मारे से। वो ऐसा क्यों करेगा पता नहीं कार्तिक, लेकिन मारा अंदाजा गलत ना होगा। रणवीर भाप उतारा, इतना हक तो है मारा के ये जान सकूं कि थारे को हुआ क्या है, थारी परेशानी का कारण क्या है। मैं तुमने कोई सलाह ना दूंगा अगर तू ना चाहेगा तो, सच्ची पर पता तो दे बेटे कि हुआ क्या है। जो हमारे मन में है ना थारे लिए वो इज्जत है, अपनापन है, पर प्यार ना है। और पता नहीं कब मारे मन में तारी जगह कार्तिक ने ले ली। मैं बस यही कहने आया था कि मैं अपना सारा पैसा एक बॉक्सिंग की टीम पे लगा रहा हूं और आज शाम के इवेंट पे अनाउंसमेंट भी कर दूंगा। रणवीर
सीरत के लिए आपकी नफरत हमारे लिए आपके प्यार से भी बड़ी है, और अगर आपको बता देता तो आप तो कुछ कर ही बैठोगे। मारे को पहले सीरत से बात करनी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।